एआरवाई न्यूज, मैं हूं कुरतुलैन इकरार। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तालिबान शूरा के इजलास में फौरी तौर पर जंगबंदी का फैसला। तालिबान का कहना है कि हुकूमत भी सीज फायर का ऐलान करे, जनूबी वजीरिस्तान से फौज को निकाला जाए, बूढ़ों, बच्चों और खवातीन को रिहा किया जाए। हुकूमत और तालिबान की मुज़ाकराती कमेटियों की कल मुलाकात मुतवक्के। ट्रेन एक बार फिर दहशतगर्दी का निशाना बन गई। कश्मीर में खुर के करीब ट्रैक पर धमाका। कराची से पिशावर जाने वाली खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस की चार बोगियां पटरी से उतर गईं। बच्चों समेत आठ मुसाफिर जान बहक। मुतांतिक जख्मी कलदम बीआरए ने जिम्मेदारी कबूल कर ली। कश्मीर में दहशतगर्दी की शिकार खुशहाल खान खट्टक एक्सप्रेस के मुसाफिरों की मालूमात के लिए कराची कैंट स्टेशन पर काउंटर कायम। वजीर बराए रेलवे ने कश्मीर ट्रेन धमाके में जानबहक अफराद के वरसा के लिए 5-5 लाख इमदाद का ऐलान कर दिया। वजीर आला सिंह ने हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। वजीर आजम अल्ताफ हुसैन, ताहिर कादरी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। पीसीबी ने जियो सुपर की एक और कोशिश नाकाम बना दी। पीसीबी ने जियो सुपर की $18 लाख की गारंटी कैश करा ली। जियो सुपर गारंटी मुतनाज बनाकर वापस लेने की कोशिश कर रहा था। फैसला नजम सेठी की हिदायत पर किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन जकार अशरफ कहते हैं बिग थ्री की मुखालिफत पर भारत ने धमकियां दी, आईसीसी की सरबराही का लालच भी दिया गया। अमरीकी सफीर की गड़ी खुदाबख्श में शहीद बीबी के मजार पर हाजिरी। रिचर्ड ऑल्सन ने मोहनजोदड़ो का दौरा भी किया। कहते हैं सिम फेस्टिवल जैसे प्रोग्राम सकाफत जिंदा रखने के लिए अहमियत के हामिल हैं। मुल्तान की मासूम बहनों फसीहा, बिल्कीस और अजरा की अपील एआरवाई न्यूज के तवस्सुत से सुनी गई। बहरिया टाउन के सहबरा मलिक फयाज का 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। माहाना 10,000 भी मुकर्रर कर दिए। पाकिस्तान ने फैसलाबाद में होने वाले ब्लाइंड टी20 मैच में भारत को 9 विकेट से हराकर सीरीज जीत ली। पाकिस्तानी बल्लेबाज जाहिद महमूद ने 104 रन नॉट आउट के साथ मैन ऑफ द मैच का एहसास हासिल कर लिया। और एक्सपो सेंटर कराची में 2 रोजा एआरवाई फैमिली फेस्टिवल जारी। ज्वेलरी और कपड़ों के स्टॉल्स, दुल्हने भी तैयार की गई, शहरियों की भरपूर शिरकत।